ये रस मलाई का टपकता रस, चमचमाते रसीले सफेद रसगुल्ले, रस में डूबे ये स्वादिष्ट टोस्ट और इन मिष्ठानों का स्वाद लेते ये लोग, इन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए और आप इन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और जी ललचाए भी तो क्यों ना। आखिर भारतीय पकवानों में मीठे की अपनी खास जगह जो है। किसी की शादी हो या फिर कोई भी नया या शुभ काम, यहाँ मुंह मीठा कराके ही शुभारंभ किया जाता है। और अगर बात रसगुल्लों और रसमलाई की जाए तो इनके स्वाद का कहना ही क्या। दिल्ली में ऐसा ही एक रसगुल्लों और रसमलाई का सेंटर है जो पिछले 52 साल से अपने ग्राहकों का मुंह मीठा करा रहा है। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय के पास स्थित किंग्सवे कैंप के स्पेशल रसगुल्लों और रसमलाई की दुकान, जहां जोगिंद्र के ग्राहकों की तीसरी पीढ़ी उनके पास मिठास की तलाश में आती है। लोगों की तीसरी पीढ़ी आ रही है, तीसरी पीढ़ी लोगों की आ रही है। कुछ बच्चे आते थे माँ बाप के साथ, खुद आते हैं बच्चों को लेके आते हैं खाने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन रसगुल्लों और रसमलाई का स्वाद लेने खींचे चले आते हैं। जोगिंद्र को ये काम पिता से विरासत में मिला है और ग्राहक इसके स्वाद को अपनी अगली विरासत को सौंपते आ रहे हैं। यही जन्म हुआ है, विदाई करते थे पहले पुरानी सब्जी मंडी में, वहाँ बेचा करते थे पुरानी सब्जी मंडी बर्फ पाना, वहाँ बेचते थे। उसके बाद हमने जहाँ शुरू कर दिया, घर यही था, घर के बाहर ही लगा दिया। चलता आ रहा है, ठीक है। लोग आते हैं तो अपने जो पुराने लोग हैं जुड़े हुए हैं, जब मैं छोटे था तब से मतलब मैं अपने पापा के साथ आता था और वो खा के जाते थे। फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी आते हैं, उनके लिए खुद खा के जाता हूँ और पैक करा के भी लेके जाता हूँ। इन रसगुल्लों के दाम भी बड़े वाजिब हैं, सिर्फ 15 रुपए में 2 रसगुल्ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1958 में जब इनके पिताजी ने रसगुल्ले बेचने शुरू किए थे, तब वो एक चवन्नी में 4 रसगुल्ले बेचा करते थे, अर्थात 1 रुपए में 16 रसगुल्ले। रसगुल्ले रसमलाई शुरू से बेचने शुरू किया, और जब मैंने बेचने शुरू किया तो 75 रुपए की एक प्लेट 2 पीस, रसगुल्ले 1 रुपए के 4 रुपए जब शुरू किया थे। इससे पहले मेरे पिताजी ने जब बेचने शुरू किए 58 में, तो चवन्नी के 4 रुपए। आज तो ऐसे ही है, 15 के 2 बेच रहे हैं, फिर भी कम है। रसमलाई वगैरह तो सवेरे बनाते हैं और रसगुल्ले जो है वो प्रसाद में कारीगर है, वो रात को बनते हैं रसगुल्ले। हाँ, चाना दूध फाड़ के बनाया जाता है, चाना उससे बनते हैं, वो कारीगर बनाता है और रसमलाई वगैरह से रसगुल्ले बनाते हैं। कई ग्राहक तो इनके पास पिछले 50 साल से आ रहे हैं। इनके रसगुल्ले, रसमलाई और ब्रेड टोस्ट के स्वाद के शौकीन हर उम्र के लोग हैं। हम रसगुल्ले और रसमलाई खाने के लिए 50 साल से आ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं ये रसगुल्ले और रसमलाई, आनंद आ जाता है। मैं कई टाइम से आ रहा हूँ खाने के लिए रसगुल्ले, इनफैक्ट फैमिली में मेरे बड़े जाते हैं, इनकी रबड़ी बड़ी फेमस है, इनकी रबड़ी बहुत मज़ा आता है खाने में। तो प्लस रसगुल्ले और मज़ेदार 10 रुपये की ब्रेड इनकी, वो बहुत ही अच्छी है खाने में, डिलीशियस। आप भी वो टेस्ट करें तो खुद कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ है। मैं ये रसगुल्ले वाले चाचा से 20 साल से रसगुल्ले खा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे रसगुल्ले हैं, इन जैसे रसगुल्ले कहीं भी नहीं मिलते। जोगिंद्र को स्लिप डिस्क के कारण डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, लेकिन उनका मानना है कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और आखिरी दम तक काम करना चाहिए। और इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। शायद यही वजह है कि उनके ग्राहक उनसे 1-2 साल नहीं बल्कि 40-50 साल से जुड़े हुए हैं। संतुष्टि है हमें परमात्मा की तरफ से, कृपा बड़ी, हाँ जो भी दिया है बहुत संतुष्ट है, धन्यवाद है परमात्मा का। घबराना नहीं चाहिए, हम तो मांगते यही हैं कि हम आखिरी दम तक काम करते रहे। हम तो चाहते यही हैं कि हमारा आखिरी दिन भी काम में हो, हम बैठना तो चाहते ही नहीं। हाँ, बीच में डॉक्टर कहने लगे आप डिस्क्लिप है, आराम करो, उन्होंने कहा आराम तो नहीं होगा। लास्ट 40 ईयर्स से इनको जानता हूँ,
तो ये हमारे एरिया की दिल्ली नौ की काफ़ी फेमस शॉप है ये, और जगह जगह से लोग इनको आते हैं, आके खा के जाते हैं। रसमलाई इनकी फेवरेट है, रसगुल्ले हैं और पीस चाशनी वाले इनके फेवरेट हैं, मतलब ये यहाँ के बेस्ट हैं। कोरोना काल सभी के लिए काफी कठिन समय रहा है, लेकिन जोगिंद्र का मानना है कि कुदरत के आगे भला किसकी चलती है। कोरोना के बाद जब उनकी दुकान खुली तो उनके ग्राहकों को भी फिर से वही स्वाद मिला। कुदरत की एक प्रकोप ही था समझो, बाकी ठीक है, अच्छी से हो गया हमारे देश में, तो फिर भी इतना नहीं हुआ बाहर जो इतने डेवलप है उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारी ये पुरानी पद्धति जो है वो कामयाब हुई है, आयुर्वेदिक खाना पीना है देसी वो ठीक है। दशकों में दिल्ली काफी बदली है, पीढ़ियां बदल गई, शहर का रंग रूप बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो इस दुकान की मिठास, और यही दिल्ली वालों के दिल को लुभाने के लिए काफी है।